गारंटर बनने से नुकसान होता है या फायदा होता है? आपको हो सकता है कि आपके रिलेटिव या आपके बहुत ही करीबी लोग, कभी कभी उनको जब लोन लेने की जरूरत पड़ती है, या कोई बाइक या कोई कार या कोई भी मतलब किसी भी टाइप का व्हीकल लोन लेते हैं, तो ऐसे में उनको जरूरत पड़ती है एक गारंटर की, है ना। गारंटर की जब जरूरत पड़ती है तो वो अपने रिलेटिव के पास, हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव हो आपके पास आए और कहे कि भैया कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आप सिर्फ गारंटर बन जाइए। तब आपके दिमाग में चलेगा, अगर मैं गारंटर बनूँ तो रिस्क क्या क्या हो सकता है और नुकसान क्या क्या हो सकता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ऐसे में इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और जब समझ में आ जाए तो आप अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर करके उनको भी सावधान कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। गारंटर की बात करना हो तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले, मैं अपने बहुत ही करीबी रिलेटिव थे उनको मतलब कि एक तरह से फोर व्हीलर लेना था, तो उनको गारंटर मिल ही नहीं रहा था। और उन्होंने जब मुझे बोला तो मैं भी सोचा कि चलिए देखता हूँ, गारंटर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ट्रस्टेड पर्सन है, लोन अमाउंट चुका भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैंने जो है, जो फिनांस करने वाली कंपनी थी उनका जो एजेंट कहा जाता है, उनसे मैंने बात किया, उन्होंने भी आश्वस्त कर दिया कि चलिए ठीक है, आप बन जाइए गारंटर, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से अब लग रहा है कि नहीं, मैंने गारंटर बन के बहुत बड़ा नुकसान किया है। और क्या नुकसान किया है और कैसे नुकसान आपको भी हो सकता है, अगर आप भी गारंटर बनते हैं आपके साथ भी ऐसा नुकसान हो सकता है, अच्छे से समझिए। होता क्या है, गारंटर का मतलब ये होता है कि अगर जिसने भी लोन लिया है वो लोन लेने वाला पर्सन अगर लोन नहीं चुकाता है, तो एक तरह से आप गारंटर बनते हैं, आश्वस्त करते हैं। तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे पैन कार्ड हो गया, डिटेल हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, वो सब कुछ उसके पास रहेगा जो कंपनियाँ फिनांस करती है, मतलब फाइनेंस जो पैसा देती है, लोन देती है। अब हुआ मेरे साथ ये है कि किस्त तो समझते हैं, ईएमआई जिसको ईएमआई कहा जाता है, पिछले कुछ महीनों से, 2 या 3 महीनों से ये पर्सन जिन्होंने मतलब व्हीकल लोन लिया वो ईएमआई टाइम पे करना बंद कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ईएमआई पे तो कर रहे हैं, मतलब किस्त पे पैसा तो दे रहे हैं जो किस्त बनता है, लेकिन टाइम पे नहीं कर रहे, मतलब डिले कर रहे हैं। और डिले करने के कारण क्या हो रहा है, उनका खुद का जो सिविल स्कोर है वो तो खराब हो ही रहा है, मेरा भी खुद का सिविल स्कोर उस चक्कर में खराब हो रहा है। मैं कैसे जाना, मैं अपना सिविल स्कोर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिविल स्कोर जो है टाइम टू टाइम मैं चेक करते रहता हूँ, और आपको मैंने चेक करने का तरीका बताया है। अगर आपको खुद सिविल स्कोर चेक करना है कि आपका सिविल स्कोर अभी फिलहाल कितना है करेंट में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जा करके आप जो है चेक कर सकते हैं कि कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। ओके, अब मैंने जब चेक किया तो एक तो मुझे मैसेज आया कि सिविल स्कोर ख़राब हो रहा है। मैं सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है, सिविल स्कोर मेरा ख़राब कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा हमेशा से रहा है। मेरा जो भी ईएमआई है और जो भी मतलब मैंने ट्रिक बताया कि किसी का सिविल स्कोर अगर ख़राब हो जाता है तो कैसे अच्छा किया जाता है, उस ट्रिक को मैंने खुद अप्लाई किया, और इसके बाद मेरा सिविल स्कोर एकदम कंटिन्यू चल रहा था। मैंने कोई भी ईएमआई डिले नहीं किया, सारा मतलब कि मेरा क्रेडिट स्कोर जो है अच्छा के साथ साथ जो है रिपोर्टेशन भी मार्केट में अच्छा था फाइनेंशियल सिस्टम में। लेकिन इसके बावजूद अगर हुआ तो मैंने रिकॉर्ड खोजा, जब मैं रिकॉर्ड खोजता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ व्हीकल लोन और जिससे फिनांस कराए तो उसका नाम, मैं सोचा मैं तो लोन लिया नहीं, और जब वहाँ पर देखता हूँ ऑनरशिप में तो ऑनरशिप में मेंशन था गारंटर के रूप में। अब बताइए कि मैंने गारंटर बन के बहुत बड़ा मिस्टेक किया या नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने गारंटर बन के बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, और ये मेरे लिए एक सीख के बराबर है कि फ्यूचर में मैं अब किसी भी ऐसे पर्सन का गारंटर नहीं बन सकता हूँ जो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड जिनका अच्छा ना हो, क्योंकि उनको खुद अपने सिविल स्कोर का जब अगर फिक्र नहीं है तो सोचिए कि मेरा सिविल स्कोर फ्री फंड में कैसे मतलब फ्री में एक तरह से ख़राब हो रहा है। और मैं उनको अगर कहूँ कि आप टाइम पे ईएमआई पे कीजिए तो वो बंदा तो डायरेक्ट कह देगा ना कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो आप ही पे कर दीजिए, मेरे से बाद में ले लीजिएगा। जो बंदे को अपना सिविल स्कोर ख़राब ना हो या सिविल स्कोर को मेंटेन करने का टेंशन नहीं है, वो मेरा पैसा रिटर्न कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गारंटर बनना कितना बड़ा नुकसानदायक है। मैंने जिस समय गारंटर बनने के लिए सिग्नेचर करने गया था उनके ऑफिस में, ऑफिस का मतलब जहाँ से फिनांस हो रही है,
उस ऑफिस में बहुत बड़ा लिस्टिंग था जहाँ पे बताया गया था कि अगर आप गारंटर बनते हैं तो कौन कौन सा रिस्क हो सकते हैं, और गारंटर बनने से पहले एक बार उन सारे पॉइंट को पढ़ लेना चाहिए। और आप भी अगर कहीं पे भी जाते हैं गारंटर बनने के लिए तो सबसे पहले सारे पॉइंट्स को पढ़िए, सोच समझ के गारंटर बनिए। दूसरा केस मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपने ही करीबी के बात में बोल रहा हूँ, ये दूसरा केस है। मैं आपको बता देता हूँ क्या नुकसान होता है। एक पर्सन ने, वो भी मतलब कि व्हीकल नहीं था, पहले के ज़माने में समझते हैं ट्रैक्टर लोन होता है, तो ट्रैक्टर लोन लिया गया था। और ट्रैक्टर लोन लेने के बाद वो क्या किए, उस ट्रैक्टर लोन का एक गारंटर चाहिए था, तो मेरे फैमिली मेम्बर जो है गारंटर बने उनका, विश्वास था कि चलिए वो दे देंगे पैसा जैसे हो, या खुद भी दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वो जो है लोन पूरा अमाउंट चुका दिए, कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट का आया था और सब्सिडी बाद में वो क्लोज हो गया था, जिस कारण से किसी कारणवश बैंक ने उनको नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दिया। अब नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दिया मतलब कि अब ड्यूज नहीं है, चाहे मैनेजर के मिस्टेक से हो या किसी के मिस्टेक से हो, आई डोंट केयर, और मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन उनके पास जब नो ड्यू सर्टिफिकेट था और अमाउंट पे किए नहीं, तो बाद में पूरा जब रिकॉर्ड निकाला गया तो 1 लाख रुपया वहाँ पे ड्यूज था। अब बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि बार बार कि वो ड्यूज अमाउंट जो लिए लोन उनको कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो दूंगा नहीं। अब इस चक्कर में जो गारंटर बने मेरे फैमिली मेंबर उनको भुगतना पड़ गया था, और बैंक ने बोला कि आप मुझे वो अमाउंट दे दीजिए, इसके बाद ही आगे का काम करेंगे। चूंकि मेरे फैमिली में जो है इस टाइप का कभी रहा नहीं है, इस टाइप का क्रेडिट स्कोर को ख़राब करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो लास्ट में डिसाइड किया गया कि यही इतना अमाउंट अगर पे कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे का काम तो नहीं रुकेगा। तो ये सब नुकसान हो जाता है। और मैंने अपने करीबी और बहुत नज़दीकी से, और ख़ासकर मैंने बता दिया मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस जो है गारंटर बनने पे क्या क्या हुआ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप भी सावधान रहिए और दूसरे को सावधान करिए। आपको सच में लगता है कि मेरा वीडियो वैल्यूएबल है तो लाइक तो करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और आपका क्या ओपिनियन है गारंटर के बारे में या इस वीडियो के बारे में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनीवे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।